अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाई, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ कि मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे जी। तो आज हम आए हैं शशम मस्त प्रदेश पे और यहाँ पे चिराग जलाने थे हमने, और वो चिराग जलाने के लिए हम आए हैं। तो उसके बाद मैं आपको फिर यहाँ का मंजर सारा दिखाती हूँ, और उसके अलावा फिर जहाँ खुदा मोहब्बत ड्रामा बना था वहाँ का भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये कैक्षा तेल डाल दिए चिरागों में, दूसरे जहाँ चिरागों में कैक्षा मारा लो। ये कैक्षा और सजावल दोनों, अगर बत्तियाँ खोल रहे हैं अब, अगर बत्तियाँ लगाएंगे ना, हाँ जी चलो आप अगर बत्तियाँ लगाओ ठीक हो गया। खड़ी है, हमने सलाम कर लिए, हाँ जी। तो इस वक्त दरबार पर, तो इस वक्त हम खड़े हैं ओन मोहम्मद को लेकर। ओन मोहम्मद सो गया हुआ, ओन मोहम्मद सो गया हुआ, तो इसलिए हम एक साइड पर खड़े हो गए, एक साइड पर खड़े हो गए। तो फिर आपको दूसरा भी दिखाते हैं, वहाँ पे जाते हैं। बाकी हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब बहन सब बहन भाइयों की मुश्किलें, सब बहन भाइयों की मुश्किलें आसान करें, परेशानियाँ दूर करें। तो एक हमारी सिस्टर हैं वो बहुत मुश्किल में थी, उनके बेटे को कोरोना हुआ था, शुक्र है अल्लाह ताला ने उनको सेहत याब किया, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। तो और एक सिस्टर और हैं और उनकी भी कोई टेंशन थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि सिस्टर मेरे लिए वहाँ पर जाकर चिराग जला देना, तो मैं उनके लिए भी चिराग जलाने के लिए आई हूँ। अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किल आसान करे, अल्लाह ताला सब बहन भाइयों की मुश्किलें आसान करें, आमीन। ये माशाल्लाह वो दरबार, और मैं दिखाती हूँ आपको बाद में। दरबार पर बन रही है देग, और ये चूल्हा जल रहा है, और ये देग है। तो भाई ये तकसीम करेंगे, ये मन्नत की होती है ना, भी जो जिनकी मन्नत मुराद पूरी होती है, हाँ जी, तो जिनकी मन्नत मुराद पूरी होती है। तो भाई आपको ले सकती वीडियो में, आपको ले सकते हैं। ये भाई हैं माशाल्लाह से, और यहाँ पे ये देग बना रहे हैं खुद, और क्या कहते हैं, जिनकी मन्नत मुराद पूरी होती है तो वो देग वगैरह यहाँ पे आकर तकसीम करते हैं, जिसकी जो हस्ब तौफीक होती है वो तकसीम करते हैं। खासकर जो मेरी बाहर वाली सिस्टरें हैं, तो सब कह रही थी कि वीडियो बनाए वीडियो बनाए, तो ये मैं वीडियो बना रही हूँ उनके लिए, और ये देख लें। तो ये चूल्हा जल रहा है, आग जल रही है, और ये देख माशाल्लाह, अल्लाह कबूल और मंजूर फरमाए जिसने ये देख बनाई है, जिसकी जिसकी मन्नत पूरी है। क्या लेके आए हो? पापड़। अच्छा, जिस अंकल आंटी ने आए और खाए, आए और खाए मज़े मज़े से। ये लें जी पापड़, पापड़। दरअसल है ये शाम का टाइम, तो इसलिए इस तरह का मंजर नज़र आ रहा है। यह माशाल्लाह दरबार शाह शम्स तब्रेज़, और मैं क्योंकि अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी बनाने की वीडियो, इसलिए मैं दूर से बना दी। और ये साथ में है मस्जिद, ये देखिए माशाल्लाह कबूतर बैठे हुए हैं ऊपर शाह शम्स तब्रेज़ पर। जैसे कि मैंने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से अंदर नहीं जाने दिया, तो मैंने यहाँ से बाहर से खड़े होकर ये मंजर ले लिया है, और ये शाम का टाइम है, और बहुत जूम करके मैंने मंजर लिया है। Thank you.
यहाँ खुदा और मोहब्बत का एंड हुआ था इस दरबार पर। तो मैं आप सब बहन भाइयों को दिखा रही हूँ, बहुत बहन भाइयों की फरमाइश थी। प्यारे प्यारे जूते मुल्तानी, और क्या कीमत है भाई इनकी? 350 रुपया। और ये पहले मैं बहुत पहना करती थी। और सबसे प्यारी चीज़ ये देखिए जी, जूते छोटे छोटे, ये जी यहाँ पर दरबार पे जो मुल्तान की ये छोटी छोटी सी ये हांडियाँ और मुल्तान की सखावत मिट्टी के बर्तन यहाँ के बहुत मशहूर हैं। और ये चाबी है, हाथों से बनी हुई है बाजी ये। और ये देखिए कितनी प्यारी बाजी, ये क्या चीज़ है? ज्वेलरी बॉक्स। अच्छा, ये ज्वेलरी बॉक्स है। और ये चाबी है। और ये क्या है बाजी? अच्छा, ये होते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ बहन भाइयों, ये मेहंदी के फंक्शन के लिए होती है ना। ये है पंखे हाथ के बने हुए, माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त। और ये मुल्तान की हाथों से बनाई गई कारीगरी आप सब बहन भाइयों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो लिहाजा बनाने वालों को भी दाद देनी चाहिए जिन्होंने इतनी मेहनत से बनाया है। तो भाई ये हॉट पॉट है ना, ये हॉट पॉट है खज्जी के, जिनमें रोटी रखी जाती है और गर्म रहती है रोटी इनमें। तो भाई कितने का है ये हॉट पॉट? एक 450 का, 500 का, मुख्तलिफ रेट है इनके ना। तो ये आप देख लें, क्योंकि मैं भाई को और जो बाजी जो बेच रही है मैंने उनको नहीं लिया वीडियो में। और इधर से ये पंखे वगैरह सारा जी माशाल्लाह हाथों से बनी, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत प्यारी कारीगरी और यहाँ पे मौजूद है मिट्टी के बर्तन। वो आज हमारा व्लॉग बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और मैं सब बहन, ये चिराग हैं, ये गले और ये मिट्टी की हांडी हैं, और ये टोकरियाँ, ये छाछ बने हुए हैं। तो मैं कह रही हूँ कि क्या ही बात है। और इधर भी टोटल सामान ये लगा हुआ है और बहुत ज़बरदस्त है ये। तो प्यारे बहन भाइयों, ये है वो जगह जहाँ पर खुदा और मोहब्बत ड्रामा बना था। इसे मुल्तान का किला भी कहा जाता है। और मैं आपको दिखाती हूँ, शाम का टाइम हो चुका है और अब भी यहाँ पे किसी न किसी चीज़ की शूटिंग हो रही है और किसी न किसी ड्रामे की शूटिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनने नहीं देते, बहुत मुश्किल होता है। और मैं आप सब बहन भैया साथ शेयर करती हूँ। वहाँ पर लगवा दिया हुआ उन्होंने मास्क और मुझे भी लगवा दिया है, अंदर आने नहीं दिया जाता था। ये सजावल है और ये देखिए जी ये दमदमा। तो ये अब हम जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ। और ये और भी एक चीज़ आपको दिखा दूँ, ये माशाल्लाह से प्यारे प्यारे पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ से अगर शहर का मंजर दिखाएं आपको तो बहुत ही प्यारा है, वो शहर है घंटा घर। तो अब हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं प्यारे बहन भाइयों, जहाँ पर सब बहन भाइयों ने मुझे कहा था कि जहाँ पर खुदा और मोहब्बत ड्रामा बना था। मैं आपको ये जी अब बच्चों ने लिए हैं बैलून लिए हैं और सजावल बहुत खुश हो रहा है। इसके काम चेक करें, हाँ जी एक दो उधर। और ये उज़्मा फिर रही है और मोहम्मद को लेकर, और बच्चे खुश, बच्चे खेल रहे हैं। और अब हम उस जगह पर मौजूद हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है वो दरबार जहाँ पर आगे दरख्त आ गया। तो मैं अलग से होकर दिखाती हूँ आपको, ये वो जगह है जहाँ पर खुदा मोहब्बत ड्रामा बना था और इसका एंड शाह शम्स दरबार पर हुआ था। ये शाह रुकन आलम और बाबा लख उनका दरबार है यहाँ पर। यहाँ पे किला है और मैं कहती हूँ बहुत प्यारा मंजर है यहाँ का। मैं सब अपने बहन भाई ऐसा शेयर करूँगी। उज़्मा पीछे रह चुकी हैं, उज़्मा वो आ रही हैं। ये उज़्मा
ये देखिए, और ओन मोहम्मद का गुब्बारा, और मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देखिए दरबार माशाल्लाह। मुल्तान की बहुत फेमस जगह है ये, और बहुत ही कदीमी इलाका है। अच्छा अभी ये मुझे गुब्बारा दिखा रहे हैं बच्चे, ये मैं आपको करीब करके दिखा रही हूँ। ये दरबार है, शाम का टाइम है, रात हो चुकी है, और ये रात का मंजर है यहाँ पर। बहुत प्यारा, अगर दिन में आए ना तो फिर मैं किस दिन आई तो दिन में ये टोटली जगह शेयर करूँगी सब बहन भाइयों के साथ, तो आप देखना। और बहुत प्यारा मंजर है यहाँ का। ये मौजूद है उस्मा, और ये देख सकते हैं मुल्तान का फेमस माशाल्लाह। बच्चे ये ठीक है, ठीक है। हाँ जी, पहुँच चुके हैं हम दरबार पे, और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। हाँ जी, ये पूरा मंजर है, सब बहन भाई के साथ शेयर करती हूँ। तो अब मेरी क्या अच्छा कैमरा मैन बनी है, और मैं खुद वीडियो अपनी बनवा रही हूँ कैप्चर से। हाँ जी, आज हमें देखते हैं अंदर दरबार के बनने दी नहीं है, मतलब कोशिश करती हूँ बनाने की, तो लेकिन उम्मीद नहीं है कि वो बनने देंगे अंदर। ऐसे ही है ना कैसे जी? और रात का टाइम भी हो चुका है, और रात का टाइम भी हो चुका है, हमने कर दिया। रात भरी मुराद बाबा के फूल लेते जाओ सर, ये लो, ये लो, ये लो। जी तो माशाल्लाह ये वो जगह है जहाँ पे भाई ने चिराग जलाया। हाँ जी, इधर से मम्मा भाई, यही है ना वो जगह, पाइकन पार्क का सिर, यही है ना वो जगह, दरबार वो शाह शम्स था, मगर चिराग ही चिराग ही यही चिराग। हाँ जी, चिराग ये था वो, और बाकी इतना भी है सारा, तो क्योंकि वो शाह शम्स का बना हुआ था, बाकी सारा खाका था जो वो जो उन्होंने बनाया हुआ था, फिर वो यहाँ से उठा कर उन्हें ले गए थे। ऐसे ही है ना भाई वो सब जी? हाँ जी जी, क्योंकि बाकी तो सिर्फ छोटा सा दौर था बस यहाँ पर, ज़्यादा दौर अदा नहीं हुआ था, बाकी सादा शाह शम्स तबरेज़ का था, और जिसमें उन्होंने कहा है कि सब ने ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ का था, यहाँ का सिर्फ छोटा सा सर, बस ये वो चला पाइंटन पार्क का सदका ला की हाजिरी कर लें, पाइंटन पार्क का सदका मेरी बाजी तेल चिराग जैसे मेरी बहन, गौस पार्क का सदका शहनशाह के चिराग मौला पाइंटन पार्क के नाम की बीबी भाई साहब। प्यारे बहन भैया, ये है वो दरबार, जब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये दरबार है बाबा शाहरुख, मैं और उस्मा हम दोनों बैठे ही हैं यहाँ पर, ऐसा हम बैठे हुए हैं तो यहाँ पर तो हमने दुआ दी है कि अल्लाह ताला हमारे बहन भाइयों की परेशानियाँ दूर करे, हमारी भी दूर करे जी। अब हम इंशाल्लाह घर जा ये जी उस्मा काफ़ी सारे बैलून लेकर खड़ी हो चुकी हैं, और लेकर भी कहाँ खड़ी हुई है ये देखिए जी दरबार पर। तो उसमें बेचने तो नहीं शुरू कर दिए? नहीं, मैंने बेचने नहीं शुरू किए, मैंने कहा अच्छा लग रहा था। अच्छा, छोड़ तो देना वरना उड़ जाएंगे सारे। नहीं, छोड़ता नहीं। हाँ जी, ये उसमें खड़ी है, और बच्चे ने हाथ में दे दिया, उन्होंने कहा आंटी आप जो ना खुद पकड़ के बना ले, मुझे बच्चे के हाथ में बहुत प्यारे लग रहे थे ये ना। ये देखिए आंटी भी इतने सारे गुब्बारे, बहुत नसीब है उनकी। सफर खर्चा भी जी, तो रात का टाइम है, और ये काफ़ी सारे बैलून पहले उज़मा बेच रही थी,
अब मैंने कहा चले जी मैं भी सेल करना शुरू कर दूँ। तो ये वही जगह है, मैंने आपको बार बार बताया, जहाँ बार मोहब्बत रामा। यहाँ का सिर्फ थोड़ा सा सीन है, बाकी टोटली शमस तब्रेज़ का बनावट रामा है वो। और वहाँ से तब तो वो खाका भी उठा कर ले गए हैं जो उन्होंने छोटे से खाका बनाया था, जहाँ बाबा जी वो बैठा करते थे। और मैंने वो चिराग भी दिखाया है जो जलाया गया था चिराग। तो उम्मीद करती हूँ हमारा आज का मेरे प्यारे बहन भाइयों को पसंद आया होगा। तो मैं आज आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिए। बहुत अच्छे इनके पास गवारे हैं, ये माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाती है, ठीक है। इनकी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो ये भाई मिल गए, तो उन्होंने कहा भाजी मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। उन्होंने कहा भाई थैंक यू। तो जी